केदारनाथ की यात्रा के पश्चात हम सोनप्रयाग वापस आकर सोनप्रयाग से हमने सुबह सुबह बस बद्री धाम के लिए की और हम शाम को लगभग 5 या 6 बजे के बीच में बद्री धाम मंदिर पहुंच गए। तभी हमने बद्री धाम के दर्शन एवं वीडियो बनाने का कार्य जारी रखा। मंदिर पे आ गए हैं और बद्री विशाल मंदिर के मेन गेट पे हूँ। ये बद्री विशाल मंदिर का गेट है और श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोले जी जरा चारों तरफ लगा दो इधर जरा कैमरा। मंदिर को चारों तरफ से ले लो बड़े जी, चारों तरफ से मंदिर की वीडियो बना लो। सुबह जाएंगे बोले मंदिर। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हुए हैं दर्शन के लिए बाबा के और ये बाबा का पूरा मंदिर आप देख रहे हैं। मौसम खराब सा होता जा रहा है, बादले आ रहे हैं नीचे और ये बाजार को है और सामने एक झरना आ रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जूम करके दिखाता हूँ जब झरने को। ये झरना कितना आ रहा है, ये अलकनंदा है जो यहाँ। और वो आप जो देख रहे हैं ये धर्म कुंड है, नीचे जो मैं जूम कर रहा हूँ धर्म कुंड है। और ये अलकनंदा आ रही है आगे से, काफी दूर से आ रही है अलकनंदा।
अब हम गर्म कुंड की तरफ जा रहे हैं नजदीक से देखने के लिए। संजय भोले जी आगे आगे जा रहे हैं। संजय भोले जी हमारे जय भोले जी गर्म पानी के कुंड की तरफ जा रहे हैं। तिरुपति कुंड तिरुपति कुंड मैं बना लाता हूँ गरम कुंड क्या बोलेगी। हाँ गरम पानी का कुंड है जी। हम मेरी फोटो वीडियो बना रहे हैं। ये गरम कुंड है और संजय जी मेरी वीडियो बना रहे हैं। नजदीक से दिखा दो संजय जी जरा गरम कुंड। और ये बोले जी हमारे साथ बस में आए थे। यह बोलेगी यह बोलेगी। कहाँ से बोले जी आप? दिल्ली से। कहाँ दिल्ली में? हाँ हाँ कहाँ से? कहाँ पे दिल्ली में? कहाँ? उत्तम नगर। हाँ आप करोल बाग के हैं बोले जी। हाँ हाँ ये जो भी कुंड की बनाला बोले ये ठंडा कुंड होगा मेरे का। ये महिला कुंड है क्या? ये भी एक कुंड है। पीछे जाते वीडियो तो बनाते पीछे हो जाए बहुत ज्यादा। ये भी एक कुंड है बोले जी। आजा बोले जी फूड पे जाता हूँ मैं फोटो बनाने मेरी वीडियो ठीक है बोले जी। बोलो अरे वो तो सही बनाते थे इन दो पूरी बोले ना कुछ करके आगे चला जाए बस। क्या बोलेगी? बोलो।
क्या बोलेगी। संजय बोले जी आ रहे हैं। और बोले जी ठीक है। बोले जी वीडियो बना, वीडियो अरे कहाँ गया, कहाँ पे आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ किनारे, यहाँ तो आ रही है सही, यहाँ तक आ जाए। अबे वहाँ नहीं है ना, यहाँ है, यहाँ काली, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तू कहाँ पे है, वहाँ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कहाँ है तू, ना ये इसका तो रंग ही काला है बिल्कुल ही। चल बद्रीनाथ जी के दर्शन करने से पहले गर्म कुंड में नहाना जरूरी है। सुबह हम गर्म कुंड में नहा के बद्रीनाथ जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर आए। अब हम नाग नागनी के मंदिर जा रहे हैं, जो मंदिर से हमें बताया 1 किलोमीटर आगे है बद्रीनाथ मंदिर से। और ये पगडंडी से जा रही है, जिसको हम जा रहे हैं पगडंडी पे, पहाड़ भी हमारे बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं, हम पहाड़ भी बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं। ये नाग नागेश्वर मंदिर है। और संजय बोले जी चादर हटा दो, खोल दो इसको। ये नाग नागेश्वर मंदिर है, ये जूम करता हूँ, ये नाग नागेश्वर बने हुए हैं, इसमें आप देखेंगे नाग बने हुए हैं, ये दो नाग बने हुए हैं इसमें, पर माना गांव जो भारत का है लास्ट इंडियन विलेज, सीमा पे पहुंच गए हैं। और हम वो कोई लास्ट में कोई चाय वाले की दुकान है वही देखने जा रहे हैं बॉर्डर पे। ये संजय जी आ रहे हैं पीछे से वीडियो बनाते हुए। ये माना गांव है और अभी हमें और आगे जाएंगे माना गांव में। लाइफ लाइफ चला रहे, लाइफ ना अपना नहीं, लाइफ ही होता ना, लाइफ चलाएगी, नेट होगा ना, नेट ऑन करो लाइफ चलाओ, लाइफ तो तब चलेगी ना जब नेट होगा यार। हाँ तो नहीं मैं वैसे ही बता रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जो जो खोलेगा ना फेसबुक
जिनने बनी हुई उसे लाइक हमारे भोले माना गाँव की वीडियो बना रहे हैं करके आगे जाकर लाइक कर दो डालते हैं। सामने जो दिखाई दे रहा है पीछे वही हमारा गांव है, तब नगर के हैं। ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सरस्वती पहाड़ों के नीचे से निकल रही है और बहुत विराट से निकल रही है। संजय जी से मैं थोड़ा बोलूँगा, मेरी वीडियो बना दे कि जरा यहाँ पे सरस्वती के पास जरा बराबर में एक चाय वाले की दुकान है। ये सरस्वती माँ है जिसे महेंद्र भोले जी खड़े हुए हैं सरस्वती माँ के दर्शन के लिए। ये सरस्वती माँ पीछे चाय की दुकान है इनके, ये पूरा देख लो पर्वत के नीचे से निकल रही है सरस्वती माँ। अच्छा वीडियो बना लूँ, अब क्या बनाऊँ इसका जब बोल चुके तो। बाबा जी की बनानी जय बाबा जी, जय हो, जय भोलेनाथ। हमारे बाबा जी अपने तप में बैठे हुए हैं, जय हो। इन्हों के आशीर्वाद से हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये भीमपुल पे हम चल रहे हैं अब, दिखा दी दिखा दी। ये भीमशिला को हम दिखाने के लिए नीचे आए हैं और ये देख रहे हैं आप पूरी भीमशिला है ये। इसके ऊपर से हम आए हैं भीमशिला के ऊपर से और सरस्वती इसके नीचे से नहीं आ रही है, आवाज कर रही होगी आपको दिखाई दे रही होगी आवाज करते हुए। एक तरह से भीमशिला पुल का काम कर रही है। कहते हैं कि पुराने जमाने में भीम ने ये पत्थर उठा के रास्ता पार करने के लिए ये शिला को रख दिया था, जब से इसको भीमशिला के नाम से जाना जाता है। और सरस्वती माँ का मंदिर है ये, दूसरा हिस्सा है। अभी हम इसके अंदर जाएंगे। लिखा हुआ देखा अपने आप देख लेगा जिसने देखने।
जय बोलेगी, जय बोलेगी। मटर भी मिल दिया यार। मटर हरी या वो वाली ठीक है, मटर चाय पी पी तो पागल हो गए। ये नंद प्रयाग से कोई 1.5 किलोमीटर आगे एक पहाड़ गिर गया है, जिसके कारण बड़ा लंबा लाइन, 2-3 किलोमीटर लंबा लाइन पड़ा, जाम लगा हुआ है। मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ इसको कि आपको दिखाई दे। जीसी मशीन लगी हुई है।